घर से जहां पर सपा के रानीगंज विधायक के धकेलने से गिरे निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के दीवार। विधायक बोले ये इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह तैयार किया जा रहा है। निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे सपा विधायक आरके वर्मा ने हॉस्टल व रेजिडेंशियल परिसर की बनवाई दीवार पर चलने लगे तो ईंटें उखड़ने लगी। निर्मित दीवार को हाथ से धकेलने पर वो गिर गई। डीएम से शिकायत के बाद पहुंची कार्यदायी संस्था आरईएस की टीम ने सैंपल भेजा जांच के लिए। लगभग 100 करोड़ की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। भ्रष्ट विभाग के जिम्मेदारों पर व निर्माण कार्य में लगी कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कराने का विधायक ने दावा किया है। कि इंजीनियरिंग कॉलेज सिवसत का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। मैं इधर से जा रहा था बाबा बेलखरनाथ धाम में, सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें शामिल होने जा रहा था। तो मुझे क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी कि गुणवत्ता बहुत ख़राब है, एक बार आप देख लीजिए। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, आज कार्यक्रम में जाने दीजिए। तो लोगों ने जिद किया, नहीं चलिए आज देख लीजिए। सभी ये ग्रामवासी साथ मेरे चल करके पैदल वहीं से आए। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैं इन दीवारों पर चलने लगा तो इसकी ईंट फिसल फिसल करके गिरने लगी। तब मेरी नज़र पड़ी कि इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब है। फिर मैंने उसको धक्का दे करके देखा तो सारी दीवारें गिर जा रही हैं। तो मैंने डीएम प्रतापगढ़ को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने इसकी जानकारी दी कि मैं यहाँ पर हूँ और इतनी खराब गुणवत्ता से कार्य हो रहा है, या इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था।